हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंजलि पांडे व्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो है वो कोई व्लॉगिंग वीडियो नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारी गर्ल्स मुझे डीएम कर रही थी कि दीदी आपके बाल जो हैं इतने लंबे कैसे हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं शेयर करूँगी अपना हेयर केयर रूटीन। धूप आ रही है, इस वजह से मेरी आँखें जो है ऐसे बंद हो जा रही है। धूप बिल्कुल मेरे सामने ही है, नीचे लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, इस वजह से मुझे छत पे आके वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो अभी जो आप मेरे हेयर कलर देख रहे हो बालों के, ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहे होंगे, मेरे नेचुरल कलर जो हेयर के हैं वो ये ब्लैक हैं। मैंने हाईलाइट कराया था रिसेंटली में, इस वजह से मेरे हेयर जो हैं ब्राउन है। तो मेरा जो हेयर केयर रूटीन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल मैं आपको कोई तामझाम नहीं बताऊंगी ये करना है वो करना है, ऐसा बताऊंगी जो आप रेगुलर कर सकते हो बेस पे, और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मैं पर्सनली हमेशा से यही अपना हेयर केयर रूटीन जो है मेरा चलता आ रहा है, और आप भी ऐसा करते होंगे। बट कुछ चीज़ें मैं अपना ऐड करूँगी उसमें, जिससे कि आपके थोड़े से हेयर में थोड़ा सा आएगा, बेनिफिट होगा। तो मैंने कुछ बचपन में कौन हेयर केयर करेगा, बट हाँ एक चीज़ है ऑयल। मम्मी तेल लगाती थी मेरे बालों में और चोटी वगैरह गूथना, क्योंकि तेल का हमारे बालों पे बहुत असर पड़ता है। तो ऑयल आप जो भी लगाते हो वो लगाओ, मैं कोई नहीं बताऊंगी ये ऑयल लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, ये करो, नहीं, मैं कुछ आप जो लगा रहे हो वही लगाओ। मैं अपना बता रही हूँ मैं किस तरीके से अपने बालों की केयर करती हूँ, और शायद आप कुछ इसमें अपने बदलाव लाओगे और आपके लिए बेनिफिट होगा, क्या पता। तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो बालों को धोने से पहले मैं बालों में तेल लगाती हूँ, तो तेल मैं यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ। और बालों में तेल लगाने का जो प्रोसेस है, बढ़िया से लगाना है, अच्छे से लगाना है, कोई थोड़ा सा नहीं लगाना है तेल, और रूट्स पे लगाने हैं, और सिर्फ बालों की यहाँ पे जड़ों में ही नहीं लगाने हैं, बाल के पूरे लेंथ तक पूरे बालों में अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है, और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए। बालों में अब हेयर ऑयलिंग हो चुकी है अच्छे से, आप जैसे कि देख सकते हो चमकते हुए एकदम चंपू हो गई हूँ मैं, चंपू तेल लगा के। तो अब क्या करूँगी, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बालों में जो है ऑयल अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए तो हम छोड़ देंगे, तुरंत ही बाल नहीं धो लेंगे, थोड़ा सा तेल जो है रूट्स तक पहुँचे, और वैसे भी ठंडियों का टाइम है तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे बाद मिलती हूँ मैं आपसे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगी आपको। तो आधा घंटा हो चुका है और मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि इतने लंबे बाल ऐसे खोल के भी नहीं रख सकती थी इस वजह से, और आई थिंक तेल जो है अब्जॉर्ब हो चुका है मेरे बालों में। तो ये पहला स्टेप था, अब मैं क्या करूँगी। वैसे तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब ऑयल करती हूँ उसके आधे घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, पर आज मैं कुछ थोड़ा सा अलग कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसमें। और ऐड ऑन क्या करना चाहती हूँ, मैं एलोवेरा ऐड करूँगी आज, क्योंकि एलोवेरा जो है मैंने हाल ही फ़िलहाल में अपने गमले में उगाया है, बस मुझे इंतज़ार था कि कब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए ताकि मैं अपने बालों में यूज़ कर सकूँ। और गर्मियों में तो मुझे हेयर केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ठंडी में पता नहीं क्यों मेरे बाल जो है बहुत फ्रीजी फ्रीजी से हो जाते हैं, और अगर बाल फ्रीजी हैं, रफ टाइप के हैं, तो इसे झड़ते हैं बाल। और तो अगला प्रोसेस है एलोवेरा। तो एलोवेरा मैं कैसे लगाने वाली हूँ, एलोवेरा को कट करूँगी एंड उसके अंदर का जो जेल है उसको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस कर ले आऊँगी, एंड उसके बाद बालों में लगाऊँगी, और उसको भी फिर मैं 15-20 मिनट या अपनी मर्जी से मैं आधे घंटे तक भी रख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई जहर नहीं है, जो बहुत देर तक रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एलोवेरा है जब तक अब्जॉर्ब होता है बालों में, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो उस हिसाब से एक वो होता है कि हाँ टाइम लगता है लंबे बालों में एब्जॉर्ब होने में। तो मैं लगाऊंगी एलोवेरा, एंड एलोवेरा कट करने जा रही हूँ मैं, उससे पहले मैं, ये मेरी खांसी की दवा है, इसका तो ध्यान रखना ही रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। तो जब भी सर्दी खांसी जुकाम ऐसा फील हो तो डॉक्टर के पास जाएँ, दवाई लें, क्योंकि हम
क्या करते हैं, इसकी केयर करने पे ध्यान देते हैं और आईब्रो बढ़ जाते हैं तो टाइम पे आईब्रो हम थ्रेडिंग करवा लेते हैं, मतलब कहते हैं ना स्किन केयर परफेक्ट तरीके से। लेकिन हमारी हेल्थ का क्या, अगर हमें लग रहा है कि हेल्थ हमें हमारी थोड़ी ठीक नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास भी तो जाना चाहिए ना। तो ये मैंने बोनस में आप लोगों को भाषण दिया। तो खांसी की दवा बहुत कड़वी है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी दवा है। हरा कलर का है और नीम के जैसा कड़वा है। जैसे हेयर केयर तो हो गया अपना रूटीन, और भी कोई रूटीन गर्ल्स आप कुछ चाहते हो कि मैं कुछ शेयर करूँ आप लोग के साथ तो कमेंट कमेंट ज़रूर करना। तो चलो अब मैं चली एलोवेरा को कट करने। ये रहा चाकू, चाकू का ये पीछे वाला हिस्सा है, ये है आगे वाला हिस्सा। तो एलोवेरा कट कर, एलोवेरा को कट करने में बड़ा मज़ा आता है, स्मूदली ऐसे निकल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो प्यारे प्यारे प्लांट्स। और ये रहा हमारा एलोवेरा, बहुत ही स्मूदली कट जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये मैंने इतना बड़ा एक काटा है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, इस वजह से ये हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये भी कम पड़ जाएगा, बट ये भी कटिंग कर लेती हूँ, ये वैसे भी सूख रहा है तो इसको भी कट कर लेती हूँ। मेरा दो एलोवेरा ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसका जेल निकालूंगी। इससे पहले मैं इसको साफ करके अच्छे से और इसके सारे छिलके जो है निकाल लूंगी, जो है छिलके उसको निकालने की बारी है। तो मैं अब एलोवेरा का रस जो है निकाल कर ले आई हूँ और अब इसको मैं अच्छे से अपने पूरे बालों में लगाऊंगी। आई होप कि सारे बालों में लग जाए। और मैं ये जैकेट खोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत आड़े आएगा, लगा नहीं पाऊँगी फिर ठीक से। तो अब मैं लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और जैसे हमने तेल लगाया है वैसे आप इसको ऐसे लगा सकते हो। ये मेरा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है एलोवेरा जेल। स्टेप तो मैंने आपको दिखा दिया और तीसरा स्टेप है ऑफ कोर्स हेयर वॉश। तो पहले मैं इसको 15-20-25 मिनट, जब तक मेरे बाल में अच्छे से सूख जाए, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा तो लगेगा हाँ भाई सूख गया है, तो उसके बाद हेयर वॉश करूँगी मैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो हेयर वॉश करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, हेयर वॉश करूँगी उस टाइम बताऊँगी। अभी मिलती हूँ आपसे, जब ये सूख जाए उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब मैं आ चुकी हूँ अपना हेयर वॉश करने एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप बताऊँगी हेयर वॉश करते टाइम, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो जब हम शैम्पू करते हैं तो मैं ये डव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी आप डव शैम्पू यूज़ करो या क्लिनिक प्लस यूज़ करो, जो आप करते हो जो आपके बालों में सूट करता है वही आप यूज़ करो। हम क्या करते हैं, शैम्पू को सीधा डायरेक्ट अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे, जो कि सही नहीं है। सबसे पहले हमें मग्गे में पानी थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसके अंदर शैम्पू डालना है, उसके अंदर शैम्पू डाल के अच्छे से पानी में घोल लेना है। बस करो। तो ये मैंने डाल लिया है और अच्छे से अब इसको मिला लूंगी। मैंने पानी थोड़ा ज्यादा ले लिया, आप कम पानी लेना प्लीज, क्योंकि ये मैंने पानी ज्यादा ले लिया है क्योंकि मग्गा ये बड़ा सा है और मुझे पानी का पता नहीं चला।
हेयर वॉश मैंने कर लिया। एज यू कैन सी, बाल धोने के बाद मेरे हेयर जो है ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे हेयर, थोड़े से ऐसे जैसे 90s की हीरोइन पहले कैसे हेयर रखती थी ऐसे पफी पफी से, तो मेरे नेचुरली है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब टच करके तो आप देख नहीं सकते हो पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। एलोवेरा वैसे काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो हेयर वॉश वगैरह तो कर लिए, लेकिन हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे जो हेयर है वो यहाँ से दो मुँहे बाल निकलना शुरू कर देते हैं जड़ों से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम हमें अपने हेयर को क्या करना है, ट्रिम करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब मैं छोटी थी तो हफ्ते महीने में आई थिंक महीने में मम्मी मेरे बालों को ट्रिम ज़रूर करती थी, और वो इसलिए करते थे कि लाइक पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते ना, तो ट्रिम करने से थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है बाल और दो मुँह हैं वो भी निकल जाते हैं ऐसे बीच में करके बालों को। मेरे बाल सिल्की हो गए वैसे बीच में करके, और हाफ हाफ डिवाइड कर देना है अपने बालों को, 1 इंच या आपकी मर्ज़ी जितना आपको आपका मन करे, मैं इतना करूँगी। ये देखो बस इतना ही करना है, इतने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे बाल कटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। हो गया, तो मेरे दोनों बाल ट्रिम हो चुके हैं, बस इतना ही करना है। ये एकदम सिंपल है, अफोर्डेबल है, आप कर सकते हो। ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया ये करो वो करो, एकदम मैंने सिंपल बताया, मानते हो कि नहीं मानते हो। बहुत ही सिंपल ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खुद के केयर के लिए टाइम नहीं होता है, तो हमें ऐसे टाइम पे बहुत ही अफोर्डेबल और ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें ना करके, अब आप समझ रहे हो ना मैं जो झंझट बोल रही हूँ, जो मैंने आपको बताया ऑयलिंग एंड हेयर वॉश, ये दो चीज़ तो आप करो, ठीक है। हफ्ते में हमेशा ये करो, जब भी आपको बाल धोना हो तो ये ज़रूर करना है। डायरेक्ट शैम्पू नहीं अप्लाई करना है, तेल लगाने के आधे घंटे बाद वॉश करो, थोड़ा सा अच्छे से मसाज करना है हेयर को, ये सब चीज़ें आप फॉलो करो, ठीक है। एंड उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। देखो कुछ कुछ चीज़ें मेरे को याद आ जाती है, मेरे भी दिमाग में भूल जाती हूँ ना कुछ कुछ। आंवला जो है बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, तो आप आंवला खाना स्टार्ट करो। वैसे भी ठंडी का टाइम है, और आंवला का मुरब्बा बनाओ, आंवला का जो बनाना है जो आप कर सकते हो, वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, तो आप आंवला खाना स्टार्ट करो, एटलीस्ट एक आंवला एक दिन में खा लो जब मन करे। और गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक, और कैसा लगा आज का वीडियो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। स्पेशली गर्ल्स, आपको अगर ये वीडियो ज़रा सा भी थोड़ा सा, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद वाला होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा आपको वीडियो, एंड नेक्स्ट किस टाइप का आपको वीडियो देखना है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तो आप लोग को क्या करना है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर देना पक्का, उसी से पता चलेगा कि मैं वीडियो कब कब ला रही हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज अंजलि पांडे का वीडियो अपलोड हुआ है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखो, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ कीप सपोर्टिंग योर अंजलि पांडे। बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।